हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी की। फिलहाल जो है अपने बुटीक का टूर कराते हुए दिख रही हैं, क्योंकि बहुत जगह आप लोग जानते हैं कि इन दिनों उनको व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शादी वादी भी है, सब कुछ है, आप लोग सब समझ ही रहे हैं। क्योंकि दुनिया में तो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर सब पैसे का खेल है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जानते हैं कि हाउस टूर पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वायरल होती है, ये होती वो होती है। तो उन्होंने अपना बुटीक का टूर दिखाना चालू किया। ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये साड़ी है, ये लहंगा है, ये सूट है, ये थान वाले हैं, ये सब करके दिखाया। इसके बाद जो है वो अपनी चीज़ें बताते ही हुई नज़र आए। कुछ चीज़ें उनकी अटपटी लगी, हम आपको बताएं। पहले भी इनके मिलियन में सब्सक्राइबर थे, अभी भी हैं, लेकिन वो सब जगह कमेंट करती नहीं दिखती थी। लेकिन अब काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों के यहाँ कमेंट करती दिख रही हैं, अच्छा बुरा सब तरह का कमेंट। किसी को धमकाते हुए, किसी को वॉर्न करते हुए, किसी की हाँ जी करते हुए, हर तरह के कमेंट करते हुए दिख रही हैं। अब इनको तो छोड़िए, जो जगत जीजा हैं, जो इनके होने वाले हस्बैंड है सुमित महल, वो हर रिएक्शन चैनल पे आपको घूम घूम के कमेंट करते हुए दिख रहे हैं। लाइव में घूम घूम के कमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लाइव में ज़्यादा दिख रहे हैं, वैसे तो हमें नहीं दिखे लेकिन लाइव में ज़्यादा दिख रहे हैं। खूब हट्टी ठट्टा करते हुए सालियों के साथ जीजा जीजा जी करके जगत जीजा जो है वो दिख रहे हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लग रही है कि क्या चक्कर है, क्या नहीं है, असली आईडी की नकली आईडी, ये चीज़ हमारे समझ से परे है। काफ़ी चीज़ें इन दिनों नज़र आई हैं, जो चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें इनकी पकड़ी भी गई हैं। जिस तरह से इन्होंने धमकी, इनके भाई और इनकी माँ जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, चैनल्स वालों को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ ये क्लियर नहीं बता रहे हैं कि क्या है। फिलहाल अगर इन सब मैटर पर इनकी नज़र अभी तक पड़ी गई होगी तो शायद क्लैरिफिकेशन देते नज़र आए कि कौन सी आईडी किधर घूम रही है और कौन कमेंट कर रहा है, कौन कमेंट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। आप लोग की क्या राय है हमको ज़रूर बताइएगा। आप लोग को क्या लगता है, ओरिजिनल आईडी है कि नकली आईडी है, क्या लगता है आप लोगों को?